विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की योजना के तहत बैगन की नई किस्में विकसित की गई हैं। दरअसल DST विश्वविद्यालयों को विभिन्न योजनाओं के तहत शोध के लिए राशि प्रदान करता है। इसी राशि के तहत हुए शोध में बैगन की ये दो किस्में पंजाब रौनक एवं पंजाब भरपूर तैयार की गई हैं। दोनों किस्मों में एंथोसाइनिन की प्रचुर मात्रा है। यह फलों एवं सब्जियों में पाए जाने वाला एक पिगमेंट है जो एंटीऑक्सीडेंट तत्वों से भी भरपूर होता है। इसकी पहचान रंग से होती है। इससे बैगन का रंग गहरा बैगनी दिखाई देता है। दोनों किस्मों में उत्पादन परंपरागत किस्मों की तुलना में 40-50% ज्यादा होता है। पंजाब रौनक किस्म की खूबी यह है कि इसका पेड़ बेहद छोटा होता है, जिसे बालकनी के गमले में उगाया जा सकता है। दूसरी खूबी यह है कि इस पेड़ पर साल भर बैगन लगते हैं। तीसरी खूबी यह है कि इसका फल लंबा होता है। चौथी खूबी यह कि इसकी फसल जल्दी तैयार होती है। इसका प्रति एकड़ उत्पादन 242 कुंतल है। पंजाब भरपूर किस्म में पेड़ अपेक्षाकृत थोड़ा बड़ा या मध्यम आकार का होता है। इसमें बैगन का आकार छोटा होता है तथा इस पर किसी प्रकार के बैक्टीरिया के संक्रमण का खतरा नहीं होता है। प्रति एकड़ उत्पादन करीब 224 कुंतल होता है। वैज्ञानिकों के अनुसार एंथोसाइनिन की मात्रा ज्यादा होने से यह बैगन पहले से ज्यादा पोषक पाए गए हैं। इनमें एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा भी ज्यादा है। यह प्रतिरोधक तंत्र को मजबूत बनाते हैं। यह खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करता है और अच्छे को बढ़ाता है। इसे मधुमेह का खतरा कम होता है। एंथोसाइनिन में कैंसर रोधी गुण भी होते हैं। पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने बैगन की इन किस्मों को खेती के लिए उत्तर भारत में किसानों को जारी कर दिया है।